फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके क्लासेस। टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइप्स है वो देखेंगे एनग्रुप्ड। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल, ए वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर और क्वान्टिटी दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर और क्वान्टिटी जिसको हम मेजर कर सकें, वो गया वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द डेटा सेट, वह अपनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल दैट डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस। जो भी अपनी ऑब्जर्वेशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करते हैं अपन, तो वो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एग्जाम्पल है, ए रिव्यू ऑफ द फर्स्ट 10 पेजेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स बुक रिवेल द फॉलोइंग प्रिंटिंग मिस्टेक्स। ये एग्जाम्पल है, इसमें डेटा दिया हुआ है वो किसका है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स कितनी है पर पेज। तो अपना जो वेरिएबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, क्योंकि इसका डेटा दिया हुआ है, मिस्टेक्स का डेटा दिया हुआ है, तो ये अपनी वेरिएबल हो गया। प्रिंटिंग मिस्टेक्स को अपन मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वन कितने बार अकर कर रहा है, वन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वन। अपन इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करके देखते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक, ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से करते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक्स की ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ये ऑब्जर्वेशन ले रहा है 0, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है, 5 ले रहा है। 0 मिस्टेक्स कितनी है, कितनी बार अकर हो रहा है, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, एंड 5 2 टाइम्स। टोटल कितने हो गए, 10, ओके। नाउ टेलीमार्क क्या होता है, कोई भी ऑनगोइंग अगर इवेंट है उसकी वो लिखने के लिए, फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए कि कितनी बार वो हो रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे बार बार अगर नंबर लिखे, 2 लिखे, तो उसको इरेज करके फिर अगली बार 3 लिखना पड़ेगा, इरेज करके 4 लिखना पड़ेगा। तो टेलीमार्क में क्या होता है, 4 तो ऐसे वर्टिकल, फिर उसके बाद एक क्रॉस एरो, ये अपना टेलीमार्क हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, तो टेलीमार्क 1। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, तो 1। 2 है तो 2, 3, 1 2 3, 1 है तो 1, एंड 2 है तो 1 2, ओके, ये हो गया टेलीमार्क। तो ये पूरा जो टेबुलर प्रेजेंटेशन हो रखा है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी का टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले किया है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा इज रॉ डेटा, दिस मीन्स डेटा इट हैज जस्ट बीन कलेक्टेड बट नॉट सॉर्टेड इनटू एनी ग्रुप्स और क्लासेस, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल डेटा सेट। इसका मीन क्या है कि हमने डेटा लिया, तो डेटा को अपन ने ना किसी ग्रुप में किया ना किसी क्लास में किया, वो ओनली रो डेटा है। ये एग्जाम्पल था अपना, इसमें अपना ये डेटा ऐसे ही था, इसने अपन ना तो किसी को, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स में देखो, इसमें वेरिएबल में अपन, हमने ग्रुप नहीं दिया यहाँ पे ओनली क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि 0 1 2 3 4 5, अपन ने इसको पर्टिकुलर कोई ग्रुप नहीं दिया, तो ये हो गया अनग्रुप्ड। और ये यूज़ होता है स्मॉल डेटा सेट के लिए, अगर ज़्यादा डेटा सेट हो जाए तो अपन को हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि 1 2 3 4 5, अगर ऐसे 100 तक डेटा होता तो 100 ऐसे रोज थोड़ा ना बनाते अपन, ओके। अब ग्रुप डेटा इज डेटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स और क्लासेस फ्रॉम द रो डेटा। रो डेटा को हमने क्या किया, ग्रुप में कर दिया या क्लासेस में कर दिया, ये लार्ज डेटा सेट के लिए होता है। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे आगे, तब अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। अनग्रुप्ड, लेट द टेस्ट स्कोर्स ऑफ
टेन स्टूडेंट्स बिहेव फॉलोज, ये टेन स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कोर दिए हुए हैं। अनग्रुप डेटा है क्योंकि अनग्रुप्ड बनाना है अपन को, तो अनग्रुप में क्या होगा कि हम वो नहीं करेंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे इनका, स्मॉल डेटा है तो अपन ऐसे इसको अनग्रुप्ड के अनग्रुप में कर सकते हैं। टेस्ट स्कोर, ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या क्या है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 5, तो 5 लिख दिए। इसके बाद 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 9, ये अपनी हो गई ऑब्जर्वेशंस। इनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 5 फ्रीक्वेंसी 1 2 टाइम्स, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 2 टाइम्स, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 टाइम्स, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 9 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स, टोटल हो गया 10। 10 मार्क्स ही थे अपने पास स्कोर, तो 10 अपना टोटल हो गया। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ ग्रुप्ड। ग्रुप्ड का एग्जांपल देखने से पहले अपन कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। क्लास, क्लास क्या होता है? इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी लार्ज देन वी डिवाइड द डेटा इन ग्रुप्स, द ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास। लार्ज डेटा होगा तो हम उसको एक ग्रुप में वो कर देंगे रिप्रेजेंट, जैसे 0 से 5 था, 5 से 10, ऐसे ये ग्रुप्स हैं, ये हो गए ग्रुप्स। तो उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास लिमिट, द लोएस्ट एंड हाइएस्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंक्लूड इन क्लास। लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? क्लास लिमिट में 0, तो ये इस क्लास क्लास ग्रुप की क्या हो गई? लोएस्ट वैल्यू। और यहाँ जो 5 है ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू, ये इस क्लास की हाईएस्ट वैल्यू हो गई। ओके, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या होता है? इन दोनों के बीच द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास, 5 है, 5 माइनस 0, डिफरेंस कितना है? 5। तो क्लास इंटरवल क्या हो गया? 5। नेक्स्ट देखेंगे 10 माइनस 5, क्लास इंटरवल 5। तो इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरवल क्या हो गया? 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, तो 0 से 5 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, 5 से 10 11, 38 ऐसे 100 है। अगर हम इसको ग्रुप अनग्रुप में बना के देखते तो उसमें अपन को 100 ऐसे रो बनानी पड़ती, 100 रोज हो जाती, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए क्या किया अपन ने? ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में डिवाइड किया, 0 से 5 ऐसे क्लास बनाई, 5 से 10 क्लास बनाई, ऐसे ये हो गया ग्रुप्ड। देर आर 2 मेथड्स ऑफ क्लासीफाइंग द डेटा अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। अब ग्रुप्ड ग्रुप डेटा है उसको भी हम 2 मेथड्स से डिनोट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है? वेन द क्लास इंटरवल आर सो फिक्स्ड दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये एग्जाम्पल है ये एक्सक्लूसिव मेथड का, ये कि जब किसी भी क्लास फर्स्ट क्लास है इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होगी। ये 5 है, ये इस 5 के बराबर है, ये इस 10 है, ये इस 10 के बराबर है, ये 15 आएगा, 15 के बराबर है, 20 है, 25 है, तो ऐसे इक्वल है ये। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इंक्लूसिव मेथड देखते हैं, इसका एग्जांपल ये रहा, व्हेन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। इस क्लास की अपर लिमिट है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, सेम नहीं है उसकी। जैसे इसमें जो अपन एक्सक्लूसिव मेथड में देखा था, इसमें अपर नेक्स्ट की लोअर के बराबर थी, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हो गया इंक्लूसिव मेथड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड विच आई डिस्कस टूडे। थैंक यू।